हेलो फ्रेंड्स, आप सबका और फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और हम लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी होता है वो जो जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के फंक्शन हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इस माइक्रो प्रोसेसर आईसी के फंक्शन को सही रूप से पूरा करने के लिए आईसी के अंदर ही एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट बना होता है। और वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट के साथ ही क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो इस आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ है यहाँ एक 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होता है, और जिसका काम क्या है कि ये क्रिस्टल है और यह इसके अंदर बना हुआ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट मिल करके एक विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिग्नल का निर्माण करते हैं। और जिस ऑपरेटिंग सिग्नल है के द्वारा इस आईसी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, उस काम को पूरा कराया जाता है। तो अगर किसी कारणवश इस आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल खराब हो जाएगा, या इस आईसी के अंदर बना हुआ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में खराबी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आईसी का बहुत सारा फंक्शन फेल हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरह के फॉल्ट होते हैं जो कि VCO के कारण यानी कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट में खराबी होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उसमें पहला खराबी होती है कि टेलीविज़न सेट का स्टैंड बाई रिलीज नहीं होना, यानी कि टेलीविज़न सेट में पावर LED तो ऑन होगा, पावर LED तो जलेगा, लेकिन सेट ऑन नहीं होगा। जब उसको स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे तो वो सेट ऑन नहीं होगा। नंबर दो फॉल्ट में क्या होता है कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो चित्र प्राप्त होगा उसमें कलर जो है गायब हो सकता है, यानी कि कलर प्राप्त नहीं होगा। कि इस क्रिस्टल में खराबी हो जाने से या इससे संबंधित पुर्जे के खराब हो जाने से ओवर ऑसिलेशन का फॉल्ट हो जाता है, यानी कि इस टेलीविज़न सेट में हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए इस आईसी से जो 15625 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी निकलना चाहिए वो नहीं, 15625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं निकल करके उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू काफ़ी अधिक हो जाएगा, और उस स्थिति में आपका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो होता है, जो कि यहाँ लगा होता है हीट सिंक के साथ, देखिएगा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा होता है यहाँ पर, तो ये ट्रांजिस्टर जो है तत्काल जो है खराब हो सकता है। या इसके अलावे ओवर ऑसिलेशन की स्थिति में जो है ESD काफ़ी हाई मात्रा में निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और उस स्थिति में पिक्चर ट्यूब भी खराब हो सकता है। तो ये जो सर्किट है जो कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ यहाँ पर जो है कि जो क्रिस्टल लगा होता है, तो इसके वैल्यू पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि अगर वैल्यू अगर आप चेंज कर देंगे तो उस स्थिति में ऑपरेटिंग सिग्नल जो है सही रूप से नहीं बन पाएगा, और उस स्थिति में अनेकों प्रकार के फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी हम लोग समझे। तो इसमें हम लोग जो है इस PCB को पलटते हुए आगे समझेंगे। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर IC लगा होता है। इस माइक्रो प्रोसेसर IC में देखिएगा कि इसके पिन नंबर 6 और 7 के साथ यहाँ क्रिस्टल लगा होता है। तो यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 6 और 7 के साथ यहाँ का क्रिस्टल लगा होता है, जो कि 8 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी का निर्माण करने का काम करता है। लेकिन याद ये रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी जो अलग अलग नंबर के अलग अलग सेट में लगाए जाते हैं, तो उन सभी सेटों में एक मान का एक वैल्यू का क्रिस्टल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अलग अलग सेट में अलग अलग वैल्यू का क्रिस्टल लगा हो सकता है। तो क्रिस्टल पर विशेष वैल्यू का ध्यान देते हैं कि क्रिस्टल जब भी नया जब हम यूज करें तो उसके वैल्यू जो क्रिस्टल के ऊपर लिखा होता है उसी अनुसार से जो है क्रिस्टल को हम लोग को यूज करना होता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ जो लगा हुआ जो यहाँ क्रिस्टल होता है, और साथ ही साथ यहाँ देखिएगा कि 2 कैपेसिटर लगे, अगर ये क्रिस्टल खराब हो जाता है या यहाँ ये लगे हुए कैपेसिटर खराब हो जाते हैं या इस आईसी के अंदर बना हुआ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में इस आईसी के अंदर ऑपरेटिंग सिग्नल का निर्माण नहीं होगा, यानी कि क्लॉक सिग्नल का निर्माण नहीं होगा। उस स्थिति में इस टेलीविज़न सेट के अंदर जो है अनेकों प्रकार के ऑपरेटिंग जो है समस्या पैदा हो सकती है, यानी कि इस आईसी के अंदर का बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो सकता है। इस क्रिस्टल से रिलेटेड मुख्य रूप से 3 फॉल्ट होते हैं, जिसमें एक पहला फॉल्ट ये होता है कि टेलीविज़न सेट ऑन नहीं होना, टेलीविज़न सेट का ऑन नहीं होना। टेलीविज़न सेट में पावर LED तो जलेगा लेकिन स्टैंड वाइज रिलीज करने पर टेलीविज़न सेट स्टैंड वाइज रिलीज नहीं होगा। दूसरा फॉल्ट में क्या होगा कि अगर ये क्रिस्टल फॉल्टी हो जाता है या इससे रिलेटेड कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, तो उस स्थिति में
टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में कलर प्राप्त नहीं होगा, और तीसरा फॉल्ट में ओवर ऑसिलेशन की समस्या पैदा हो जाती है। यानी कि इस आईसी के पिन नंबर 13 से जो 15625 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी आउट होता है, फ्रीक्वेंसी जो निकलता है, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू काफ़ी अधिक हो जाएगा, और वह बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी यहाँ लगा हुआ हॉरिजॉन्टल जो आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ जो लगा हुआ वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर तत्काल खराब हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब नहीं भी होता है तो आपका पिक्चर ट्यूब भी खराब हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों को पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगा हुआ क्रिस्टल पर विशेष ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि कभी भी टेलीविजन सेट ऑन हो तो ऑन की स्थिति में पिन नंबर 6 और 7 पर वोल्टेज की जांच नहीं करना होता। अगर वोल्टेज की जांच करेंगे, अगर 6 और 7 पर अगर ऑन की स्थिति में टेलीविजन सेट अगर ऑन हो तो उस स्थिति में अगर वोल्टेज की जाँच करेंगे तो तत्काल ही आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा या आपका पिक्चर ट्यूब भी खराब हो सकता है। तो यहाँ जाँच करने के लिए क्या है कि आप कॉल टेस्टिंग में बिना सप्लाई दिए हुए अगर जब यहाँ मल्टीमीटर के द्वारा जब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में जब फिट करके जब चेक करेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए और ना ही मल्टीमीटर के मॉनिटर पर नंबर शो करना चाहिए। और अगर इसके इसको अगर निकाल कर चेक करना चाहते हैं तो निकाल कर जब चेक करेंगे तो इसके क्रिस्टल में 2 सिरे होते हैं, दोनों को आपस में कंटिन्यूटी शो करना नहीं चाहिए। तो देखिए मल्टीमीटर को अभी हमें डायोड के रेंज में फिट किए हुए हैं, और डायोड के रेंज में फिट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे के पिन नंबर 6 और 7 पर जहाँ क्रिस्टल लगा होता है वहाँ मल्टीमीटर के दोनों तार को रखेंगे, दोनों प्रॉप को रखेंगे। ऐसे रखने पर बीप की आवाज़ प्राप्त होगी, लेकिन जब यहाँ हम लोग 6 और 7 पर मल्टीमीटर के दोनों तार को रखेंगे तो देखिएगा कि मल्टीमीटर के मॉनिटर पर किसी प्रकार का नंबर शो नहीं करना चाहिए। पर यहाँ चेक किए, फिर इसकी इसी प्रकार से उलट करके भी जब चेक करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों तार को पलट करके जब चेक करेंगे तो भी हम लोगों को क्या है तो यहाँ किसी भी प्रकार का मल्टीमीटर पर नंबर शो नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। और अगर सप्लाई देकर के जांच करना होगा तो सप्लाई देकर के अगर जांच करना चाहते हैं तो स्टैंड बाय मोड में ही आप यहां वोल्टेज की जांच कर सकते हैं। स्टैंड बाय से अगर टेलीविजन सेट रिलीज़ हो तो उस स्थिति में वोल्टेज की जांच नहीं करना है, अगर जांच करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर या पिक्चर ट्यूब खराब हो सकता है। तो आइए अब यहाँ इस टेलीविजन सेट को सप्लाई देते हुए अब हम लोग वोल्टेज की जाँच करेंगे। तो टेलीविजन सेट को सप्लाई दे करके अब हम लोग वोल्टेज की जाँच करेंगे। तो देखिए सप्लाई दिए और देने के बाद में अब देखेंगे कि टेलीविज़न सेट स्टैंड बाई मोड में है या नहीं है। अगर स्टैंड बाई मोड में होगा तब तो यहाँ 6 और 7 पर वोल्टेज की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग डीसी वोल्ट के रेंज में फिट करेंगे। तो देखिए 20 वोल्ट के डीसी वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए हैं, और कैसे समझेंगे कि यह टेलीविज़न सेट स्टैंड बाई मोड में है या जो है स्टैंड बाई से रिलीज है, तो पिन नंबर 64 पर चले जाएंगे। पिन नंबर 64 नंबर जो पिन होता है 64 नंबर पिन होता है, यहाँ हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिले तो ये मानेंगे कि टेलीविज़न सेट स्टैंड बाई मोड में है, अगर वोल्टेज नहीं मिले तो ये मानेंगे कि स्टैंड बाई मोड में टेलीविज़न सेट स्टैंड बाई मोड से रिलीज हो गया है। पिन नंबर 64 पर देख रहे हैं कि वोल्टेज 0 है, अगर 0 वोल्ट मिले तो ये समझिए कि टेलीविज़न सेट ऑन की स्थिति में है। ऑन की स्थिति में यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है, और स्टैंड बाई में अगर पोजीशन में होगा यानी कि टेलीविज़न सेट का पावर एलईडी जले और टेलीविज़न सेट अगर ऑन नहीं होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट मिलने का मतलब है कि टेलीविज़न सेट अभी ऑन की स्थिति में है। तो ऑन की स्थिति में देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन को काम करने के लिए 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज मिले तो ये मानिएगा कि टेलीविज़न सेट ऑन की स्थिति में है, और उस स्थिति में यहाँ वोल्टेज की जांच नहीं। जांच कब करना है यहाँ पर, तो टेलीविज़न सेट को पहले स्टैंड बाई मोड में करेंगे। तो देखिए रिमोट के द्वारा हम टेलीविज़न सेट को स्टैंड बाई मोड में कर देते हैं। जब स्टैंड बाई मोड में करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पिन नंबर 64 पर देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो गया। जब पिन नंबर 64 पर वोल्टेज मिलेगा तो उस स्थिति में इस आईसी पिन पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज नहीं मिलेगा। अभी देख रहे हैं कि 1.85 वोल्ट के आसपास वोल्ट मिल रहा है, यानी कि बहुत ही कम वोल्ट है। तो इस स्थिति में हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ वोल्टेज की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ कितना वोल्ट की जांच करेंगे, तो देखिए पिन नंबर 6 पर देखेंगे कि 2 से कुछ ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए, जबकि 7 नंबर पिन पर 2 से कुछ कम वोल्ट मिलना चाहिए। तो पिन नंबर 6 पर 2 से कुछ ज़्यादा और पिन नंबर 7 पर 2 से कम वोल्ट मिलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।